हमारा टॉपिक है द सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें हम बताएंगे कि किस तरह से ब्लड है जो बॉडी में जाता है ठीक है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं नरिशमेंट फ्रॉम द डायजेस्टिड फूड एंड फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इज़ कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड कि जो भी नरिशमेंट हो रही है ठीक है डाइजेस्टिड फूड से और जो भी फ्रेश ऑक्सीजन हमारी लंग्स से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जा रही है वो बाय द ब्लड ब्लड के थ्रू होती है द ब्लड सर्कुलेटिंग इन द बॉडी और जो भी ब्लड है हमारा बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है सर्कुलेट का मतलब मतलब सर्कल में क्या वो घूम रहा है जिस तरह से जा रहा है कीप्स ऑन कैरिंग फ्रेश नोरिशमेंट एंड ब्रिंगिंग बैक वेस्ट प्रोडक्ट्स तो इस तरह से जो ब्लड सर्कुलेट कर हो रहा है जो बॉडी में वो कैरी करता है फ्रेश नोरिशमेंट ठीक है ताज़ा जो भी उसको नोरिशमेंट देगा और बाद में क्या है ब्रिंग बैक तो वेस्ट प्रोडक्ट और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बैक ले आता है ऑल दिस कैट डन बाई अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन विच कॉन्स्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम और ये जो भी सब है उसको किया जाता है जिस ऑर्गन सिस्टम से जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होगा हमारा द सर्कुलेटरी सिस्टम कंजिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे सबसे पहले है हमारे पास हार्ट दिल हमारा हृदय द हार्ट इज लोकेट स्लाइटली टर्ड्स द लेफ्ट इन द चेस्ट ये हमारी चेस्ट में हमारी छाती में लेफ्ट साइड में होता है इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन रफली ऑफ द साइज ऑफ द क्लोज फिस्ट ऑफ द पर्सन एक मस्कुलर ऑर्गन है ठीक है जिसका जो साइज है कैसा होता है ओ द क्लोज फिस्ट ऑफ द पर्सन इस तरह से जैसे क्लोज फिस्ट मतलब बंद फिस्ट मतलब मुठ्ठी होती है पर्सन के उस फॉर्म में द हार्ट इज डिवाइडेड इन टू इक्वल हार्ट्स ठीक है हमारे हार्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम जैसे लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ ठीक है जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में इधर लेफ्ट वाली चीज़ें और इधर राइट right वाली चीज़ें ठीक है तो ऐसे टू पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया है ईच हाफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टू चैम्बर्स अब मैंने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है लेफ्ट एंड राइट तो अब जो ये लेफ्ट एंड राइट है जो ये हाफ है इनके फर्दर आगे क्या था टू टू चैम्बर्स होते हैं ठीक है जिनकी ओपनिंग होती है यहीं से देयर आर दस फोर चैम्बर्स इन ऑल ठीक है अब टू टू तो लेफ्ट वाले की है टू राइट वाली की है इट मीन टोटल फोर चैम्बर्स आर कॉल्ड ओरिकल्स और आर्ट्रियम्स ठीक है अब जो ऊपर की साइड के होते हैं जो ठीक है उन्हें हम क्या कहते हैं ओरिकल्स बोल लो आपने चाहे आर्ट्रियम बोल लो ठीक है तो ये साइड ये यानी कि ओरिकल्स है जो अपना एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा ऐसे ही क्या होगा हमारा जो ये क्या नीचे की तरफ है लोअर चैम्बर होगा जो हमारा वो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स इस तरह से हमारे क्या है फोर है द लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड जो लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है ठीक है उसमें क्या होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल कंटेन ब्लड हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड इन इन और जो राइट right ओरिकल है और राइट right वेंट्रिकल है ठीक है दोनों के बीच में इनमें जो ब्लड कंटेन करता है उसमें क्या होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है ठीक है लेफ्ट वाले पोर्शन में तो होगा ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन रिच ब्लड और जो राइट वाला होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट अब मेन फंक्शन क्या होता है हार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेन फंक्शन होता है जब हमारे हार्ट का वो होता है पंप करना किसको ब्लड को ये क्या करेगा पंप करेगा एंड कीप इट मूविंग इन द ब्लड वैसल्स और उसको क्या है पंप करने के बाद उसको क्या है ब्लड वैसल्स तक ले जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड वैसल्स ब्लड मूव्स अराउंड इन द बॉडी जो ब्लड मूव करता है बॉडी में थ्रू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब ठीक है जो ब्लड मूव करेगा जिस ट्यूब के थ्रू ठीक है तो उसे हम क्या कहेंगे ब्लड वेसल्स कहेंगे ठीक है जो उसमें ट्यूब बनी होंगी दे आर ऑफ थ्री टाइप्स तीन टाइप की होती हैं आर्टरीज विन्स एंड द कैपिलेरीज द वेसल्स अब देखो आर्टरीज क्या होता है इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपकी आर्टरीज विन्स एंड कैपिलेरीज की आर्टरीज है जो हमारा ये क्या करेगा ये ब्लड को हार्ट से ले जाएगा ठीक है ब्लड को कहाँ से ले जाएगा हार्ट से ले जाएगा और उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाएगा किसका काम होता है ये आर्टरीज का ठीक है ब्लड को ले जाएगा हार्ट से हार्ट से लेके जाएगा ब्लड को कौन आर्टरी और नेक्स्ट है वेंस और वेंस का क्या काम होगा ये क्या करेगा कि जो भी ब्लड है उसको वापिस लाएगा ठीक है हार्ट तक लेकर आएगा अलग अलग बॉडी पार्ट से ठीक है तो डिफरेंस पता चल गया आर्टरीज तो क्या करेगा आर्टरीज तो ब्लड को ले जाएगा ठीक है आर्टरीज में क्या होगा ब्लड हार्ट आ, हार्ट से ब्लड को ले जाएगा और वीन्स में अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट तक लेके जाएगा ठीक है जनरली आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड वाइल दिन कैरी ब्लड हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड इन इट जो आर्टरीज होता है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और जो विन्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा आर्टरीज आर लास्टिक एंड थिक वॉल्ड एंड आर डीप सिटेड जो आर्टरीज होते हैं काफी लास्टिक की फॉर्म में होते हैं और इनकी वॉल काफी थिक होती है गहरी होती है काफी सीटिड द विन्स आर थिन वॉल्ड एंड सुपरफेशियल एज दे आर लोकेटेड जस्ट अंडर द स्किन जो वीन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पतली होती है ठीक है पतली वोल होती है इसकी और ये क्या है लोकेट होते हैं हमारी स्किन के अंडर द आर्टीज एंड वीन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई फाइन वेसल्स और जो आर्टीज और वीन्स कनेक्ट होती हैं वेसल्स के थ्रू जिन्हें हम कैपिलेरीज कहते हैं ठीक है थीका? जो जिससे आर्टीज और वीन्स दोनों के दोनों कनेक्ट होंगे उसे हम कैपिलेरीज कहेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लड इट इज अ थिक रेड फ्लूड कंटेनिंग रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स जो ब्लड होता है कैसा होता है हमें पता है रेड कलर का होता है ठीक है फ्लूड की फॉर्म में होता है तो ये थिक थिक होता है रेड फ्लूड होता है जिसमें क्या क्या होता है आर बी सी मीन्स रेड ब्लड सेल डब्ल्यू बी सी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं अब ब्लड का फंक्शन क्या होता है द फंक्शंस ऑफ द ब्लड आर टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इसका काम क्या होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा फूड मटेरियल्स फूड मटेरियल्स को एंड हार्मोन्स और हार्मोन्स को टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी उसको बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाएगा टेक बैक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेगा कहाँ से सभी के सभी बॉडी पार्ट्स से लंग्स तक प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज़ एंड अदर इन्फेक्शंस हमारी बॉडी को बचाएगा ये सेफ़ रखेगा जो भी डिसीज़ है बीमारियों से और कोई भी क्या है जो इन्फेक्शंस हैं उनसे सेफ रखेगा हेल्प टू मेंटेन द बॉडी एट अ कॉन्सटेंट टेम्परेचर हमारी बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा एक कॉन्सटेंट टेम्परेचर पर एक टेम्परेचर पर उसे कॉन्सटेंट करने की कोशिश करेगा ये उसको मेंटेन करके रखेगा नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर फोर प्लेस टू और थ्री फिंगर्स लाइटली ऑन यर फ्रेंड्स रिस्ट अपने फ्रेंड की कलाई पर आपने दो या तीन फिंगर को रखना है हल्के से क्लोज टू द थम्ब बेस थम्ब बेस से ठीक है अंगूठे से काउंट द नंबर ओ पल्सेशन इन वन मिनट आपको देखना कि एक मिनट में कितनी पल्सेशन आ रही है और नोट करना है उसको नेक्स्ट काउंट द पल्स रेट आफ्टर द फ्रेंड हैज़ कैरिड आउट सम एक्सरसाइज फिर उसके बाद आपने कब चेक करना जो आपका फ्रेंड क्या है एक्सरसाइज कर रहा होगा इज दे आर एनी चेंज इन द टू पल्स रेट क्या जो अब पल्स रेट है मतलब जब वो क्या है एक्सरसाइज किया है ठीक है जब अब क्या है एक्सरसाइज किया है ठीक है तो अब का जो पल्स रेट है और जो एक एक्सरसाइज से पहले का पल्स रेट था क्या वो सेम है या उनमें कुछ डिफरेंस है तो हमें बताना है तो इसमें क्या होगा कि देखो जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके बाद जो हमारी पल्स रेट वो इंक्रीज हो जाएगी बढ़ जाएगी क्यों ऐसा क्यों होता है क्योंकि इस टाइम जो हमारा जो हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप करने लगता है ठीक है जिसके लिए उसको क्या कि बहुत जल्दी जल्दी क्या पल्सिस की ज़रूरत होती है और इस टाइम पे जो हमारा लंग्स होता है वो ज़्यादा एयर लेता है ठीक है ज़्यादा एयर लेता है तो इसलिए जो एक्सरसाइज के बाद जो पल्स रेट में और पहले वाली पल्स रेट में डिफ्रेंस होगा हमारे पास ये एक्टिविटी फाइव ऑब्जर्व द हैंड्स एंड लेग्स आपको अपने हैंड और लेग को ऑब्जर्व करना है किसके ऑफ योर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के और अपने भी लुक एट द ग्रीनिश ब्लू लाइन आपको ग्रीन ब्लू कलर की लाइन दिखाई देगी अपनी स्किन के नीचे ठीक है वो क्या है विन्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं ना अपने हाथ में कई बार हम देखते हैं बोलते हैं हमारी नसें दिख रही हैं ठीक है ठीके? तो वही है आर्टी स्विच लाइया लिटल डिपर अंडर द स्किन कैन नॉट बी सीन ईजली ठीक है जो आर्टरीज होती हैं आर्टरीज क्या होती है वीन्स तो देखो हम देख लेते हैं बट आर्टरीज हैं जो हमारी स्किन के जस्ट जो थोड़ा गहराई में होता है उसको हम नहीं देख सकते हैं नेक्स्ट डू यू नो ब्लड कंटेंट्स आर सब्सटांस कार्ड हीमोग्लोबिन ब्लड में एक सब्सटांस होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं जिसमें आयरन होता है लोहा होता है हीमोग्लोबिन क्या करता है हीमोग्लोबिन हमारे खून का रंग लाल करता है ठीक है ब्लड का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से इंसेक्ट्स होते हैं जो कीड़े होते हैं उनका खून होता है ब्लू कलर का ग्रीन कलर का और कहीं कलरलेस भी होते हैं ठीक है कलर ही नहीं होता है जिनका क्यों क्योंकि उनमें क्या होता है कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज बिगर देन द राइट साइड ऑफ द हार्ट जो लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट का वो बड़ा है ठीक right right है ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट ठीक है लेफ्ट और राइट साइड है ठीक है तो अब इन्होंने कहा कि जो हार्ट लेफ्ट साइड है वो क्या होता है वो उसका साइज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू राइट साइड आ हार्ट बीट इज़ द साउंड द हार्ट मेक्स वन दार्ट वॉल्स ओपन एंड क्लोज हार्ट बीट क्या है जो आपने देखा होगा क्या अगर आप डर रहे हैं किसी चीज़ के लिए या एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हार्ट बीट कितनी तेज़ी से मतलब हार्ट है वो बीट करता है तो ये वो साउंड है जब क्या है जो हार्ट क्या करता है जब वो उसके ओपन और क्लोज होते हैं अ डॉक्टर कैन लिसन टू द साउंड बाय प्लेसिंग अ स्टेथोस्कोप ऑन योर चेस्ट आपने जैसे देखा है कि आपको फीवर वगैरह होता है तो डॉक्टर आपकी चेस्ट पे स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना तो उसे वो हार्ट बीट को चेक करते हैं ह्यूमंस हैव फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप हम इंसानों में कितने चार टाइप के ब्लड ग्रुप है ए बी ए बी एंड ओ रेट ऑफ हार्ट बीट वर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जो हार्ट बीट की रेट है वो चेंज होती रहती है हर एक पर्सन में जो बट मेनली एवरेज है हार्ट बीट सेवेंटी टू टाइम है वन मिनट की ठीक है वन मिनट में सेवेंटी टू टाइम हमारा हार्ट बीट करता है दिस बीट रेट इंक्रीजिज़ ड्यूरिंग एक्सरसाइज और ये जो बीट रेट है ये बढ़ जाती है एक्सरसाइज के दौरान एक्सर्शन और वेन अ पर्सन इज एक्साइटेड कब बढ़ता है हमारा ये जो बीट रेट ये बढ़ता है एक्सरसाइज के दौरान या एग्जर्सन या कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होता है ठीक है तो उस टाइम हार्ट बीट क्या वो इंक्रीज हो जाती है द हार्ट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी बीट्स और जो न्यू बॉर्न बेबी का हार्ट है वो वन फोर्टी टाइम्स एक मिनट में वन फोर्टी टाइम वो हार्ट बीट करता है यानी हम नॉर्मल uh, हम इंसानों से डबल टाइम वेर आज द हार्ट ऑफ अ थ्री ईयर ओल्ड चाइल्ड बीट्स हंड्रेड टाइम पर मिनट और एक जो थ्री ईयर का बेबी है उसका हार्ट है वो हंड्रेड टाइम क्या करेगा बीट करेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द नर्वस सिस्टम इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आर बॉडी ये हमारे ऑर्गन्स का ऐसा सिस्टम है जो कंट्रोल करता है नियंत्रण करेगा एंड कोऑर्डिनेट्स करेगा आपस में तालमेल बिठाएगा जो भी हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर नर्वस सिस्टम कंजिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स जो नर्वस सिस्टम है उसमें बहुत से जो नीचे ऑर्गन्स दिए गए काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं उसके जिन्हें हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे सो फर्स्ट वन इज़ ब्रेन ब्रेन इज़ द मोस्ट डेलिकेट एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है हमारा ठीक है जो मनुष्य का हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही डेलिकेट ठीक है नाजुक सर बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है नर्वस सिस्टम का इट इज़ सिचुएटेड इन द हेड ये कहाँ पे होता है हमारी हेड सिर पर होता है और वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल और इसको क्या है स्कल यानी खोपड़ी और कहाँ से प्रोटेक्ट होता है इसको जो हमारी खोपड़ी होती है ठीक है जो हमारी खोपड़ी होती है वो प्रोटेक्ट करता है किसको हमारे ब्रेन को इसका वेट होता है वन पॉइंट थ्री फाइव के जी द ब्रेन कंट्रोल्स अब ब्रेन का क्या काम होता है ये कंट्रोल करता है मोस्टली जो भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये उनको कंट्रोल करेगा द रइट पोर्सन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कि जो राइट right पोर्सन है हमारे ब्रेन का वो कंट्रोल करता है बॉडी के लेफ्ट पार्ट को और जबकि जो लेफ़्ट पोर्सन है ब्रेन का वो कंट्रोल करेगा बॉडी की राइट पार्ट को डू यू नो बाय द एज ऑफ फाइव कि जो फाइव के एज में एक बच्चे का जो दिमाग होता है ब्रेन होता है वो नाइन्टीन परसेंट क्या है ऑफिट्स फुल वेट ठीक है नाइन्टी परसेंट उसका फुल वेट होता है उस टाइम द ब्रेन इज रफली शेप लाइक अ वालट कैरनेल ठीक है ये किसकी तरह जो ब्रेन है वो हमें अखरोट की तरह लगता है जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं ठीक है ये हमें क्या है एक वॉलट की तरह दिखाई देगा दिखा। सेरेब्रम सेरेबेलम और ये मेडुला ठीक है ये सब हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं बाकी नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक तो ब्रेन है इसके बाद हम स्पाइनल कोड को भी पढ़ेंगे और इसके अंडर ही हम नर्व्स को रीड करेंगे नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइनल कोड स्पाइनल कोड क्या है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्यूब की तरह बना होगा ठीक है जैसे दिखाई दिया है विच इज अटैच टू द ब्रेन ब्रेन के साथ ये हमारी क्या है ब्रेन के साथ अटैच होता है स्पाइनल कोड इट रन इनसाइड द वर्टेब्रल कोलम और ये किसके अंदर होता है वर्टेब्रल कोलम होता है जो उसके साथ ही अंदर की तरफ होता है वर्टेब्रल हमने पढ़ा था जिनमें बोन्स होती हैं द स्पाइनल कोड इज अबाउट फिफ्टी सेंटीमीटर लॉन्ग स्पाइनल कोड है जो वो कम से कम फिफ्टी सेंटीमीटर लंबा होता है इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और ये क्या करेगा जो भी मैसेज होता है उसको ब्रेन ब्रेन से लेगा तक टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाएगा एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स बैक टू द ब्रेन और वहां से फिर बॉडी के पार्ट से दोबारा से ब्रेन तक उसे पहुंचा देगा नेक्स्ट है हमारे पास नर्व्स द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स कि जो हमारा नर्व सिस्टम होता है वो किससे बनाता है काफी बिलियंस ऑफ नर्व सेल से मिलकर बना होता है जो क्या करते हैं मैसेज को कैरी करते हैं पूरी बॉडी तक द मैसेज ट्रेवल्स थ्रू द सेल्स एज अ स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स और जो मैसेज हमारे सेल के थ्रू ट्रेवल करता है ठीक है सेल के थ्रू जो मैसेज जाएगा एक स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में उसे हम नर्व इम्पल्स कहेंगे नर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स दो टाइप की नर्व्स होती है हमारी सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स ठीक है दो टाइप की नर्व्स है अब सेंसरी नर्व क्या करेगा ये क्या करता है कि जो भी मैसेज होता है उसको कैरी करेगा ठीक है कहाँ से सेंस ऑर्गन से ठीक है सेंसरी नर्व क्या करेगा सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेगा और उसको ब्रेन तक पहुँचाएगा और सेकंड है मोटर नर्व्स मोटर नर्व्स का क्या काम होएगा ये जो भी कोई भी कमांड है ठीक है गिवन बाय द ब्रेन जो भी कमांड दिमाग ने हमारी ब्रेन ने दी है उसको टू द मसल्स मसल तक उसको पहुँचाएगा ठीक है कमांड को नेक्स्ट है हमारे पास सेंस ऑर्गन्स सेंस ऑर्गन संवेदी ह्यूमन बींग्स है फाइव मेजर सेंस ऑर्गन्स फॉर डिफरेंट सेंसेस ह्यूमन बींग्स में फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं ये हम छोटी क्लासेस से रीड करते आ रहे हैं वो फाइव ऑर्गन्स कौन से हैं दे आर नोज नोज जिसे हम स्मेल लेंगे टंग जीप जिसे हमें टेस्ट का पता चलेगा स्किन हमारी त्वचा जिसे हमें टच छूने का पता चलेगा आइज विजन आ इसे हम देखेंगे एंड यर्स हियरिंग जिसे हम सुनेंगे दी सेंसेस रिसीविंग अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ अ सेंसेशन ये जो भी सेंस ऑर्गन है हमारी वो मैसेज को रिसीव करेंगे किस फॉर्म में सेंसेशन सेंसेशन यानी आप उसकी सेंस से मान लीजिए कि मैं कुछ खा रही हूँ ठीक है तो मुझे वो बहुत टेस्टी लगा तो उसका पता किस सेंस ऑर्गन ने बताया है उसका सेंस उसका बताया मेरे टंग ने ठीक है तो किस सेंस का यूज हुआ इसमें टेस्ट का तो वो क्या करता है सेंड इट टू द ब्रेन थ्रू द सेंसरी नर्व्स तो सेंसरी नर्व्स की हेल्प से अब जब मुझे खाना टेस्टी लगा ठीक है तो इसमें मेरी सेंसरी नर्व्स सेंस वाली कौन सी होंगी कि जैसे कि मेरी जो टंग है वो मेरा सेंस ऑर्गन है उससे मुझे टेस्ट का पता चला तो वो उस मैसेज को क्या है कि सेंसरी नर्व के थ्रू क्या है उसको ब्रेन तक भेज देगा डू यू नो देर आर अबाउट टेन थाउजेंड टेस्ट वर्स ऑन आर टंग्स कि हमारी टंग पर जेब पर टेन थाउजेंड टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है ब्लिंक ऑन एवरेज अबाउट टाइम्स अ मिनट। और हम ब्लिंक करते हैं ठीक है अपनी आइज को जैसे करते हैं झपकाना तो ब्लिंक करते हैं एवरेज कितना है एक मिनट में छः बार उसको ब्लिंक करते हैं नेक्स्ट है हमारा द एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन क्रिया ऐस द बॉडी फंक्शंस जैसे बॉडी फंक्शन करती है मैनी वेस्ट प्रोडक्ट जो बहुत से वेस्ट मटीरियल होते हैं ठीक है वो भी प्रोड्यूस होंगे दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी और वो जो वेस्ट मटीरियल होता है हमारी बॉडी को उनको हमें बॉडी से रिमूव करना क्या है ज़रूरी होता है द एक्सट्रेट्री सिस्टम कंजिस्ट ऑफ ऑर्गन जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसमें कुछ ऑर्गन होते हैं जो हेल्प करते हैं एलिमिनेटिंग एलिमिनेट बाहर करने की द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है द किडनी इज़ एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन दैट फिल्टर्स आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड और जो किडनी है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो फिल्टर कर देता है वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से और एलिमिनेट कर देगा बाहर कर देगा उसको इन फॉर्म ऑफ यूरिन यूरिन की फॉर्म में यानी जैसे हम टॉयलेट जाते हैं ना ठीक है न, तो उसको क्या है टॉयलेट की फॉर्म में क्या है उसको एलिमिनेट कर देगा बॉडी से द स्किन गेट्स रीड ऑफ वोटर हमारी स्किन है उसको छुटकारा मिल जाता है वोटर से ठीक है वोटर जैसे हम टॉयलेट जाते हैं तो वोटर मतलब की फॉर्म में रिलीज होता है एंड एक्सेसिव सोल्ट और काफी जो सोल्ट है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट स्वेट यानी पसीने की फॉर्म में जब हमें पसीना आता है ठीक है थ्रो द स्वेट ग्लैंड स्वेट ग्लैंड्स की हेल्प से जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होती है द लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है रेस्पिरेशन के दौरान फैसिज इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द रेक्टम थ्रो द अनूज और जो वेस्ट मटीरियल है उसको एलिमिनेट कर देते हैं रेक्टम के थ्रू थ्रू द अनूज जो अनूज होता है जिसे हम आ, जिसे हम अनूस को गुदा भी कहते हैं रेक्टम मूत्राशया कहते हैं ठीक है उसके थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है आगे है यूरिन इज द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी ये हमारी बॉडी का मे, आ, मेजर वेस्ट प्रोजक्ट है ठीक है प्रोडक्ट है एंड इज एक्सकेटेड थ्रू द यूरीनेरी सिस्टम और ये कहाँ से रिलीज होता है यूरीनेरी सिस्टम से रिलीज होता है जैसे आपको ये डायग्राम में दिखाई दिया कि हमारी किडनी है जब ये वेस्ट मटेरियल जाता है वो यहाँ यूरेटर से यूरीनेरी ब्लेडर से यूरथरा से इस तरह से पास होकर जाएगा द यूरिनेरी सिस्टम कंजिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन और जो यूरिनेरी यूरिनरी सिस्टम है उसके भी आगे कहीं ऑर्गन्स है ठीक है ये जो चीज़ें हमने बताया है ये सभी क्या है इसके पार्ट हैं किसके पार्ट हैं ये सब के सब यूरिनेरी सिस्टम के सबसे पहले है किडनी देर इज़ अ पेयर ऑफ किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी की एक पेयर होता है हमारी किडनी का ठीक है ह्यूमन बॉडी में ईच किडनी पेयर मतलब यानी दो होंगे जोड़े में होंगे ईच किडनी इज़ ब्रिक रेड इन कलर जो हर किडनी होती है वो कैसे ब्रिक रेड ब्रिक या जैसे ईट का रेड कलर होता है ना उस फॉर्म में होती है एंड इज बीन शेप और बीन की शेप में होगी जैसे सेम होता है उसकी शेप में द फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड ये फिल्टर कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट और वेस्ट मटीरियल को हमारे ब्लड से फिल्टर कर देंगे दिस वेस्ट फ्रॉम लाइट येलो कलर्ड लिक्विड कार द यूरिन ठीक है तो ये क्या करेगा कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारे ब्लड से फिल्टर कर दिया और जो वेस्ट फिर ये किस फॉर्म में आता है लाइट येलो कलर का होता है जिसको हम यूरिन कहते हैं इन दिस वे द ब्लड गेट्स प्योरीफाइड बाय द किडनी और इस तरह से जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो जाता है ब्लड प्योर हो जाता है किसके थ्रू होगा प्योर वो ब्लड किडनी के थ्रू किडनी हेल्प इन रिमूविंग नॉट ओनली हार्मफुल सबस्टांसिस सच एज यूरिया बट ऑल्सो एक्सेज वोटर फ्रॉम द ब्लड अब देखो किडनी सिर्फ हमारी बॉडी से हार्मुल सब्सटांस को ही बाहर करने में हेल्प नहीं कर रही है बल्कि ये जो यूरिया होता है ठीक है बल्कि जो काफ़ी सारा वोटर होता है ठीक है जो एज अ इन फॉर्म ऑफ टॉयलेट जैसे बाहर बॉडी से रिलीज होता है ठीक है तो इन फॉर्म ऑफ जो वोटर है जो काफ़ी सारा जो वोटर है उसको भी हमारे ब्लड से क्या करता है रिमूव कर देता है टेनि सेल्स कार्ड स्पर्म्स और जो छोटे छोटे उनमें सेल्स होते हैं किसमें मेल में उन्हें हम क्या कहते हैं स्पर्म्स कहते हैं यानी जिसे हम वृषण कहते थे नहीं सॉरी शुक्राणु कहा जाता है ठीक है टेस्टिस को कहते हैं वो तो टेनिस सेल्स कार्ल स्पर्म्स ये किसमें होते हैं मेल में होता है और प्रोड्यूस बाय द टेस्टीज जो टेस्टीज में से प्रोड्यूज़ होते हैं ठीक है टेस्टीज से क्या रिलीज होगा स्पम एंड ओवरिज प्रोड्यूज एग और जो ओवरी किस में होता है फीमेल में वो क्या प्रोड्यूस करेगा वो एग प्रोड्यूस करेगा द यूनियन ऑफ अ स्पम विद एन एग और जब क्या है कि मेल से स्पम और फीमेल से एग जब दोनों के दोनों यूनियन आपस में मिलते हैं उनका फ्यूज़न होता है तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज एग डेवलप्स इन टू एन एम्ब्रो ठीक है जब फर्टिलाइजेशन हुई फर्टिलाइजेशन के बाद क्या जो एग फर्टिलाइज होता है वो एक एम्ब्रो बन जाता है भ्रूण बन जाता है ठीक है वो जो एम्ब्रो ग्रो करता है जब बड़ा होता है तो वो एक बेबी बच्चा बन जाता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल फीमेल की बॉडी के अंदर ये सब बताएँ कि फेलोपियन ट्यूब होती है ये है ओवरी ये यूटेरस ठीक है पूरा का पूरा ये किसका है फीमेल का रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो ये है हमारा चैप्टर नाइन जो कि कंप्लीट हो चुका है आई होप आपको चैप्टर पसंद आया हो तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर के साथ थैंक यू हैव अ नाइस डे